दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग या पूरी पृथ्वी की आबादी एक साथ मिलकर फार्टिंग करे तो क्या होगा? यकीनन चारों तरफ बदबूदार गैस फैल जाएगी और लोगों का दम घुटने लगेगा और वो मर जाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तारे के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी को गैस से घेर लेगा, और फिर क्या होगा वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जितनी रेत के दाने मौजूद हैं, उससे भी ज्यादा हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं, जिसे गिनने मात्र में ही हमें अरबों सालों का समय लग जाएगा। पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे एक समान नहीं हैं। इनमें से कुछ तारे हमारे सूरज के समान मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं, जैसे कि ब्लू स्टार्स, येलो ड्वार्फ, ऑरेंज ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ्स। तो कुछ बेहद ही विशाल सुपर जायंट स्टार्स हैं, जैसे कि ब्लू जायंट्स, ब्लू सुपर जायंट्स, रेड जायंट्स और रेड सुपर जायंट्स। ये सभी तारे अपने मृत्यु के बाद व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रन स्टार, ब्लैक ड्वार्फ्स और ब्लैक होल्स का रूप ले लेते हैं। वहीं कुछ तारे ब्राउन ड्वार्फ्स होते हैं, जो कि तारे जितने बड़े होते हैं पर कुछ कारणवश तारे नहीं बन पाते, और उन्हें फेल्ड स्टार्स कहा जाता है। पर इन सभी तारों में सबसे खास तारे होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक में मौजूद स्टार प्रोक्सीमा सेंटुआरी और जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ ट्रैपिस्ट 1 स्टार भी। ये तारे बेहद ही खास होते हैं, जिनके आसपास मौजूद ग्रहों पर जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद होती है। साथ ही इन्हें हमारे ब्रह्मांड का अश्वत्थामा भी कहा जाता है, जो कि कई हजार बिलियन सालों तक नहीं मरते। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इन तारों को सबसे अलग और खास बनाती है, जिनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, रेड ड्वार्फ स्टार्स का जन्म दूसरे मेन सीक्वेंस स्टार्स की तरह ही होता है। सबसे पहले गैस और डस्ट के विशाल बादल ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगते हैं और धीरे धीरे घूमना शुरू कर देते हैं। सारा मैटर धीरे धीरे सेंटर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बेहद ही तेज गति से बढ़ने लगता है। और जब इसके कोर का टेम्परेचर एक खास क्रिटिकल टेम्परेचर के पार चला जाता है, तब उसमें फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस दौरान इसके कोर का बेहद ही हाई टेम्परेचर वो मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिस दौरान बेहद ही बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे छोटे तारों में गिने जाते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मास का मात्र 8% से लेकर 50% तक ही होता है। कम साइज के चलते ये बेहद ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनके सरफेस का एवरेज तापमान करीब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं हमारे सूरज का एवरेज तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है। कितनी होती है इन तारों की आयु? कम तापमान और छोटे साइज की वजह से ये काफी डिम होते हैं और इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद धीरे धीरे अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी उम्र दूसरे तारों से कहीं ज्यादा होती है। जब ये अपने कोर में मौजूद सारे फ्यूल को खत्म कर देते हैं, तब इनका आउटर लेयर खत्म हो जाता है। बस इनका कोर बचता है, जिन्हें व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। ये व्हाइट ड्वार्फ और कई बिलियन सालों तक अपने अंदर मौजूद हीट की वजह से जिंदा रहते हैं, पर धीरे धीरे उनकी ये हीट भी खत्म हो जाती है और ये ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं, जो कि इनका इनएक्टिव कोर होता है। जहां हमारे सूरज जैसे तारों की उम्र मात्र 10 से 12 मिलियन साल होती है, वहीं इन रेड ड्वार्फ स्टार्स की उम्र 1000 बिलियन साल से लेकर करीब 10000 बिलियन सालों तक हो सकती है। अगर इसकी तुलना हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन सालों से की जाए, तो ये काफी ज्यादा है। यानी हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक किसी भी रेड ड्वार्फ स्टार ने अभी तक अपने उम्र का 1% भी पार नहीं किया है, जिसे आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये रेड ड्वार्फ स्टार्स कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आने वाले भविष्य में ये तारे सबसे ज्यादा समय तक अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को और इस विशाल ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से जगमगाते रहेंगे। इन तारों की मृत्यु सबसे आखिर में होगी, जब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आखिरी तारे का अंत होगा और ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार के युग में चला जाएगा, जहाँ केवल ब्लैक होल्स ही बचे हुए होंगे। इन तारों के ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों पर पनप सकता है जीवन। शुरुआती अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने इन रेड ड्वार्फ स्टार्स को इनके बेहद ही कम तापमान और रोशनी के कारण ब्राउन ड्वार्फ समझ लिया था,
क्योंकि ये तारे साइज और मास में किसी ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना काफी मुश्किल होता है। ब्राउन ड्वार्फ काफी ठंडे और डिम होते हैं, जिनका निर्माण रेड ड्वार्फ स्टार की तरह ही होता है, पर इनके कोर का तापमान कभी भी उस क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता जहां इनके अंदर फ्यूजन शुरू हो पाए, जिसकी वजह से इन्हें फील्ड स्टार्स भी कहा जाता है, जो कि तारे जैसे तो होते हैं पर असल में तारे नहीं होते। रेड ड्वार्फ स्टार्स की उम्र काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है। ये तारे कई बिलियन सालों तक एक समान रह सकते हैं। अनुमान के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन को पनपने के लिए करीब 1 बिलियन सालों का समय लगा था, यानी इन 1 बिलियन सालों के दौरान हमारी पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए स्थिति बिल्कुल ठीक थी। कैसे होता है इन तारों का हैबिटेबल जोन? पर ये तारे काफी ठंडे होते हैं, जो कि काफी कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटेबल जोन इनके काफी पास होता है। एक अनुमान के मुताबिक इनका एवरेज हैबिटेबल जोन हमारे सूरज की अपेक्षा करीब 25 गुना पास हो सकता है, जिसकी वजह से इनके हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स इनसे काफी पास होते हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इनके हैबिटेबल जोन में मौजूद ये प्लैनेट्स अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकते हैं, यानी कि इन प्लैनेट्स का एक साइड हमेशा अपने तारों की ओर रहता है, जहां हमेशा रोशनी रहती है, और दूसरा साइड हमेशा अपने तारों की तरफ होता है, जहां हमेशा अंधेरा रहता है। जीवन के पनपने के लिए काफी ज्यादा होता है, जहां लिक्विड वाटर गैस बनकर उड़ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान जीवन के पनपने के लिए काफी ठंडा होता है, जहां लिक्विड वाटर सॉलिड रूप में जम जाता है। क्या इन तारों के इर्द गिर्द जीवन पनप सकता है? साथ ही कई सालों तक किए गए अध्ययन के दौरान देखा गया है कि ये रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद ही खतरनाक सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन एमिट करते हैं, जो इनके प्लैनेट्स में मौजूद किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म को एक ही झटके में खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसे में काफी कम संभावना है कि इन तारों के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है, पर धरती पर वैज्ञानिकों को जीवन के सबूत बेहद ही गर्म वोल्केनो, बेहद ही ठंडे ग्लेशियर्स और यहाँ तक कि एम्प्टी स्पेस में भी मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों के खतरनाक माहौल में भी किसी प्रकार का जीवन पनप सकता है। कई सालों तक किए गए रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही धरती जैसे रॉकी प्लैनेट्स का पता चला है। ये तारे काफी कूल और डिम होते हैं। नासा के केपलर और टेस्ट टेलीस्कोप्स ने लंबे समय तक इन तारों के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स की खोज और उनका अध्ययन किया, और इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे स्टार सिस्टम का पता चला है जहां जीवन मौजूद हो सकता है, जिनमें से कुछ स्टार सिस्टम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारी धरती से सबसे नजदीक में मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी है, जो कि हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस स्टार सिस्टम में कुल मिलाकर 3 तारे मौजूद हैं, जिनमें से 2 तारे बाइनरी स्टार्स हैं, जो कि एक कॉमन ऑर्बिट में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। वहीं इस स्टार सिस्टम का 3रा स्टार प्रोक्सीमा सेंटोरी है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये मास में हमारे सूर्य का मात्र 12% है और हमारे सूर्य से केवल 0.1% ही चमकीला है। कई सालों तक किए गए खोज के बाद वैज्ञानिकों को इसके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट प्रोक्सीमा सेंटोरी का भी पता चला, जो कि पृथ्वी के आकार का रॉकी प्लैनेट हो सकता है। ये प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपनी लिक्विड अवस्था में बना रह सकता है, जिसकी वजह से यहां किसी प्रकार के जीवन के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। पर प्रोक्सीमा सेंटोरी स्टार हमारे सूरज से काफी छोटा और कम चमकीला है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेबल जोन हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन से करीब 25 गुना पास है। प्रोक्सीमा सेंटोरी बी अपने तारे का चक्कर काफी नजदीक से लगाता है और इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 11 दिन का समय लगता है, जिसकी वजह से काफी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने तारे से टाइडली लॉक्ड भी हो सकता है। ऐसे में इस ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावना काफी कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।